अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज हम हेयर ड्रायर को चेक करेंगे। आपको बताएंगे कैसे हेयर ड्रायर को सही करते हैं, डेड कंडीशन में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जो भी चैनल पे न्यू व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले पावर जो है 220 AC, इसको सीरीज़ की मदद से लगाते हैं। अभी हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। स्विच ऑन किया, ना ब्लोअर की आवाज़ आ रही है ना ही हीटर ऑन हो रहा है, तो इसका मतलब ये डेड कंडीशन में बिल्कुल कुछ भी ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले सप्लाई बंद करते हैं, उसके बाद इसको ओपन करके चेक करते हैं। स्क्रू खोलेंगे सबसे पहले इसके, उसके बाद हम इसका लॉक होता है दोनों साइड पे, बड़ी एहतियात के साथ फ्लैट स्क्रू ड्राइवर या किसी नाइफ की मदद से लॉक खोलते हैं। कवर ओपन हो गया, ब्लोअर मोटर चेक करेंगे, ब्लोअर मोटर रोटेट हो रही है। इसके बाद इसको ओपन करके इन साइड पे हीटर को चेक करते हैं। जी ओपन कर लिया हमने, हीटर की कंडीशन तो सही लग रही है। सीरीज की मदद से इसको चेक करेंगे, इसमें दो हीटर लगे हैं, ये कॉमन है और ये एक हीटर की तार, दूसरी तीसरी। सीरीज ऑन किया, वन बाई वन दोनों हीटरों को चेक करेंगे, ये ओके है, ये भी ओके है। इस हीटर डायरेक्ट चलता है और एक मोटर के सीरीज़ में चलता है। अब इसकी वायर चेक करेंगे, इसकी वायर में प्रॉब्लम हो सकता है। प्लग साइड भी ख़राब हो जाती है इसकी, और ब्लोअर साइड वाली भी ख़राब हो जाती है, तो इसको हम सीरीज़ की मदद से वन बाई वन चेक करेंगे। अब इसकी ब्लू वायर, नई बल्ब चला, ब्राउन ओके है, ब्राउन पे बल्ब चला। अभी दूसरी साइड चेक करते हैं, ब्लू वायर पे कंटिन्यूटी नहीं शो हो रही, यानी हमारा सीरीज बल्ब नहीं चल रहा, ब्लू वायर इसकी कंफर्म ख़राब है। अब इसको चेक करते हैं तार को कहीं से, तार डैमेज तो नहीं है, तार हमने चेक कर रहे हैं आपके सामने, तार बिल्कुल ओके है। अभी हम सबसे पहले स्विच वाली साइड जो है, इसको नाइफ की मदद से ओपन करेंगे तार को, इसको कम से कम 8 इंच 10 इंच तक ओपन करेंगे। जी व्यूअर, इसमें फॉल्ट नज़र आ गया, ब्लू वायर इन साइड अंदर की साइड पे स्पार्क किया हुआ। अभी हम थोड़ा इंसुलेशन को उतारेंगे, पीवीसी इंसुलेशन को उतार के ये देखिए अंदर ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा होगा किनारे पे, हीटरों के लोड की वजह से स्पार्क किया है।
अब हम इसको काटेंगे और दोनों ब्राउन को और ब्लू को दोनों तारों को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। हमने सोल्डिंग कर दी है दोनों वायर को अच्छे से। अब इसको फिटिंग करते हैं, हीटर और ब्लोअर को फिट करने के बाद फिर हम इसको दोबारा चेक करेंगे। ब्लोअर मोटर को अपनी जगह पे बैठाने के बाद स्क्रू लगा के चेक करते हैं। जी 100% ज़बरदस्त, देखिए ब्लोअर चल रहा है और साथ बल्ब लोड ले रहा है, सीरीज वाला बल्ब ऑन हो रहा है, इसका मतलब हीटर लोड ले रहे हैं, ओके हो गए। अब इसको फिट करते हैं, फिट करने के बाद डायरेक्ट विदाउट सीरीज चेक करेंगे। ये फिटिंग बड़ी एहतियात से, वायर जो है फिटिंग के दरमियान में कवर के और मोटर के दरमियान में ना आ जाए ताकि डैमेज ना हो, एहतियात के साथ इसको लॉक बिठाएंगे और इसके बाद स्क्रू लगा के चेक करते हैं। टाई ऑन किया, चेक करते हैं, अभी डायरेक्ट ऑन किया, ज़बरदस्त ऑन हो रहा है, कम ज़्यादा हवा भी ज़बरदस्त आ रही है। दोस्तों इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।